ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਖਾਵਾ ਖਾਵਾ ਤੇ ਕਾਵਾ ਕਾਵਾ ਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏ ਮਾਰੋ ਉਸਕੋ ਵੋ ਚੈਨ ਕੋ ਮਾਰੋ ਅਰੇ ਆਬ ਉਸਕੋ ਮਾਰਤੇ ਇਸਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਮਤ ਮਾਰੋ ਮੁਝੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏ ਬੇਵਕੂਫ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਭੀ ਤੋ ਮਾਰ ਰਹੇ ਅਬ ਉਸਕੋ ਮਾਰੋ ਔਰ ਮਾਰੋ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਯੇ ਕਿਆ ਕੱਲੂ ਔਰ ਮੱਲੂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੋ ਚੈਨ ਕੋ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਉਸੇ ਬਚਾਣਾ ਹੋਗਾ ਛੋੜੋ ਉਸੇ अरे शुक्रिया शिनचैन तुमने मुझे बचा लिया। बोचैन तुम ठीक तो हो? उन्होंने मार मार के तुम्हारी तो हालत ही पसली कर दी। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे दोस्त को क्यों मारा? कल्लू मित्र को नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या लगता है शिनचैन, क्या तू अपने दोस्त बोचैन को बचा लेगा? बिल्कुल नहीं। अरे मल्लू जरा जन दोनों को सबक सिखाते। अरे आप चलो इन दोनों को सबक सिखाते। वैसे भी एक दो दिन से मेरे हाथ में खुदली हो रही थी, आज अपनी सारी खुदली मिटा दूंगा। चल तू फिर शिनचैन को संभाल और मैं इसके नक चिड़े बोचैन को संभालता हूँ। मुझे मत मारो, मैं तो यहाँ पर इसको बचाने आया था, मुझे मत मारो। बोचैन तू भी नहीं बचेगा, तुझे जो बचाने आएगा शिनचैन मैं उसको भी मार दूंगा। अरे तू मुझे एक बार ही मार चुके, दोबारा क्यों मार रहे हो? चल मल्लू यहाँ से निकलते, इससे पहले प्रिंसिपल हमें पकड़े हमें यहाँ से भाग रहा होगा। अरे हाँ बॉस, आज के लिए इतनी मार काफी है। यार उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा, मेरी तो पीठ दर्द हो रही है। अरे तुम्हें तो एक बारी मारा, मुझे तुम्हारे चक्कर में दो दो बारी मारा, मेरी तो पूरा शरीर दुख रहा है। मैं तुम्हें बचाने आया था लेकिन उन्होंने मेरा ही बर्ताव बना दिया। दोस्तों यहाँ पर यार मेरी तो बहुत ज्यादा पिटाई होगी, मेरे तो हाथ पैर दर्द कर रहे। अब घर जाके मम्मी को बोल के अपनी मालिश कराऊंगा, तब जाके मेरी थोड़ी हालत ठीक होगी। मैं भी तो पागल हूँ, हीरो बनने के चक्कर में उस बोचैन के बच्चे को बचाने गया और उन्होंने मेरी भी पिटाई कर दी। अरे ये क्या, ये कल्लू और मल्लू मेरी साइकिल के साथ ये क्या कर रहे हैं? उस गलती से मैंने किसी की साइकिल खराब कर दी। अरे बल्लू ये किसकी साइकिल है? अरे बहुत ही उस फुद्दू से शिनचैन की घटिया थी साइकिल है, तुमने सही काम किया। वैसे भी ये साइकिल किस कबाड़ से कम नहीं है, तुमने इसे कुचल के सही काम किया। तुमने मेरी साइकिल से दिखा किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे तो मुझे छू के तो दिखाओ, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। ये बात ये लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी साइकिल के साथ ये क्या किया? ये मेरी इकलौती साइकिल थी, मेरी मम्मी ने मुझे ये गिफ्ट में दी थी। वेल, तुम्हारी गिफ्ट वाली साइकिल को तो मैंने कुचल दिया। तुम क्या करोगे शिनचैन, मम्मी से जाके मेरी शिकायत करोगे? तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ, ये स्कूल मेरे बाप का है। तुम क्या, मुझे तो कोई भी नहीं छू सकता। चलता हूँ अपनी महंगी सी गाड़ी में, अब तुम्हें बाद में मिलूंगा नाम मुराद कह के। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो तुम्हारी शक्ल में मैं कीचड़ फेंक दूंगा। ये उसने सही नहीं करा, अमीर है तो क्या मेरे साथ कुछ भी करेगा? उसने मेरी गिफ्ट वाली साइकिल का ये हाल करा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं हूं तो गरीब हूं और ना ही मेरे पास कोई खास दोस्त है और ना ही कोई सुपर पावर जिससे मैं उस अमीर जादे को सबक सिखाऊं। अब मैं क्या करूं, घर क्या मुंह लेके जाऊंगा? अगर मॉम पूछेगी तो उन्हें क्या बताऊंगा? मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा, मैं मॉम को क्या जवाब दूंगा? एक मिनट, ये क्या है, ये तो कुछ चमकदार चीज। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे नहीं, ओह माय गॉड, ये क्या, मैं तो बेंटेन का हीट ब्लास्ट बन चुका हूँ और मेरे हाथ में ये कौन सी घड़ी है? अरे इसका मतलब मेरे पास ऑन मैट्रिक्स है और ये क्या खतरनाक बम का गोला फेंक रहा है, मतलब मैं यहाँ पर एक सुपर हीरो बन चुका हूँ। अब देखो ये क्या क्या करता है। ओह माय गॉड, ये क्या, ये तो बड़ी खतरनाक पावर यूज करता है। अब मजा आएगा, अब मैं उस कल्लू और मल्लू को मजा चिखाऊंगा। इतनी ज्यादा आग से तो उन दोनों की मैं चड्डी में आग लगा दूंगा। वैसे ये और क्या क्या करता है मुझे तो पता ही नहीं। क्या ये हवा में उड़ सकता है? वैसे उड़ना तो चाहिए क्योंकि ये आग का इस्तेमाल जो करते। चलो गाइस यहाँ पर हवा में उड़ के देखते है। अरे वाह, ये क्या, मैं तो हवा में उड़ सकता हूँ बिल्कुल पंछी की तरह। अब बस मुझे कल्लू और मल्लू के घर जाके उनको सबक सिखाना।
करना है, अब आएगा असली मजा। तो गाइस पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं उन दोनों को अच्छे से सबक सिखा सकूं। ओह माय गॉड, ये है उस कल्लू का घर। अरे ये घर है या फिर महल, कितना बड़ा घर है। ओह माय गॉड, ये क्या सामने तो दो गार्ड खड़े हुए, अब मैं घर के अंदर कैसे घुसूंगा। ये देखो, ये है उसकी महंगी सी गाड़ी जिसे मुझे खराब करना है। तो मैं अंदर कैसे जाऊँ, यहाँ पर तो गार्ड भी खड़े हुए। सोचने दो। अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं यहाँ पर गोस्ट फ्रीक ले लूँ, वो वाला एलियन तो गायब भी तो हो सकता है। ओह माय गॉड, ये देखो गाइस, मैं बन चुका हूँ गोस्ट फ्रीक। और ये कितना ज्यादा सुंदर है, मेरे कहने का मतलब है कितना ज्यादा गंदा है। और इसके पास देखो कितनी अच्छी सुपर पावर है, अब मैं किसी को भी नहीं दिखूंगा, ना ही इन गार्ड को। चलो छलांग मार के घर के अंदर चल जाता हूँ। ये देखो मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, और ये रही वो गाड़ी जिसे मुझे खराब करना है। लेकिन वो नाम मुराद कल्लू और मल्लू कहाँ चले गए, मुझे उन्हें ढूंढ के उन्हें पहले सबक सिखाना है। अरे ये क्या, ये घड़ी को क्या हो गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं, मैं फिर से शिनचैन बन गया। इससे पहले कोई मुझे यहाँ पर देखे, मुझे उस कल्लू मल्लू को देखना होगा, तब जाके मैं उनको सबक सिखाऊंगा। मुझे लगता है गाइस वो छत के ऊपर है, क्योंकि मुझे ऊपर से काफी ज्यादा आवाज आ रही है। चलो जाके चेक करते। ओ ये देखो कल्लू और मल्लू तो यहीं पर ही कुछ बात कर रहे हैं। अरे यार, आज तो शिनचैन के बच्चे को सबक सिखा के मजा ही आ गया। अरे बॉस, आपने सही करा, वो शिनचैन के बच्चे को तो मजा सिखाना चाहिए था, बहुत बकवास करता है साला। ओ माय गॉड, ये दोनों मेरी बारी में बात कर रहे। अरे ये क्या, ये तो कल्लू की मम्मी है। ओ तो तुम यहाँ पर हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें आज बिल्कुल शरारत नहीं करनी। आज हमने सबसे महंगी पार्टी रखी है, और बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब मैं यहाँ पर गड़बड़ करूँगा तो इन दोनों की मार पिटेगी। चलो गाइस यहाँ पर एक काम करते, एक्सलरेट की मदद से यहाँ पर जितना भी सामान है उन्हें तोड़ फोड़ करके यहाँ वहाँ बिखेर देते। जैसे वो लोग यहाँ पर आएंगे उनको पता भी नहीं लगेगा उनके साथ क्या हुआ है। ये देखो गाइस मैं यहाँ पर कितना ज्यादा फास्ट हूँ, कि यहाँ पर ये चोंगू मोंगू मुझे कितने ज्यादा स्लो लग रहे। एक काम करता हूँ, इनके गाल में प्यार वाली पप्पी दे देता हूँ, ताकि ये हवा में उड़ते जाए। ये देखो ना कितने ज्यादा स्लो हो चुके, बिल्कुल घटिया साबुन की तरह। ओ माय गॉड, ये क्या, मेरे हल्के से टच करने से तो कल्लू तो हवा में ही उड़ गया। अब उसे पता नहीं कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। इससे पहले ये होश में आए, हमें यहाँ पर सारे सामान को तोड़ फोड़ करके बिखेरना होगा। चले यार, जाके देखते हैं कि पार्टी में कितने लोग आए। अरे धत तेरे की, ये क्या हो गया। अरे मल्लू ये देख, यहाँ पर से किसी ने सारा सामान खराब कर दिया। अरे वो देख किसने करा, हम लोग तो यहाँ पर थे नहीं, ये किसने करा होगा। अगर मॉम को पता लगेगा तो वो तो हमारी तत्नी बना देंगे। अरे हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये सब किसकी हरकत है, कहीं तूने तो नहीं करा मल्लू। अरे बॉस, मैं तो आपके साथ ही था ना, पता नहीं किसने किया है, कोई हमारा दुश्मन हो सकता है। अरे यार मैं क्या करूँ, मेरे को तो लग रहा है कि मॉम मुझे बहुत ज्यादा मारेगी। अरे बॉस मुझे भी मारेगी, हम यहाँ पर काम करते कहीं पर छुप जाते, नहीं तो मॉम हम दोनों को कुत्ते की तरह मारेगी। ये आवाज कैसी है, अरे ये क्या किया नामराद तुम दोनों ने। अरे मॉम मैंने कुछ भी नहीं करा, ये सब पहले से था। हाँ पहले से था, मैं जब आई थी तो इस घर को कितना सुंदर करा था, और तूने पूरे घर को खबारा कर दिया। अरे मॉम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो उतना ही किया। चुप रहे कल्लू और चुप रहे बल्लू, तुम दोनों की मदद से यहाँ पर तुमने सबारा कबाड़ा कर दिया, अब लोग आएंगे तो मैंने क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे मॉम मैंने कुछ नहीं करा, ये सब किसी और ने करा। चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। तुम्हें पता है मेरे इन पार्टी पे कितने लाखों रुपए खर्च करे थे। अरे नहीं, मैं खुद गिर गई। अरे मॉम, अरे बल्लू इससे पहले डैड आके हम दोनों की कुटाई करे, हम फटाफट यहाँ से भाग जाते अपने गाड़ी में बैठ कर। अरे वो सही कह रहे हो, डैड तो हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें नंगा कर करके मारेंगे। अब ये दोनों को पता लगेगा कि जब तुम्हें मार पड़ती तो कैसा लगता है। अरे मैं तुमको ऐसे तोड़ना जाने दूंगा, देखता हूँ तुम कहाँ पर बैठ के कहाँ तक जाते हो। अरे बल्लू जल्दी से बैठ, डैड ने पकड़ लिया तो मैं बहुत मारेंगे। डैड का तो नहीं पता, लेकिन एलियन एक्स तुझे बहुत ज्यादा मारेगा। अच्छा तो ये है तेरी फेवरेट कार, तो इसको मैं हवा में उठा देता हूँ। हेय कौन है नीचे, उतारो मुझे। अरे ये क्या, तुम्हारी गाड़ी हवा में कब से उड़ने लगी कल्लू। हेय
गई, मेरी गाड़ी हवा में नहीं उड़ रही, पता नहीं किसने मुझे हवा में उड़ा दिया। ए, ना मुराद कह के मुझे नीचे उतर। बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी गाड़ी को हेलीकॉप्टर बनाऊंगा। अरे तो मजे की बात है, हम हवा में उड़ेंगे तो मजा आ जाएगा, क्यों कर लूं? अरे बेवकूफ, वो हमें हवा में उड़ा के नीचे पटकने वाला है। अरे ऐसा मत करना, नहीं तुम्हारी चटनी बन जाएगी। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम लोग ने पहले मेरी और बुचैन की चटनी बनाई थी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। हे ये क्या, ये तो नामुराद शिनचैन है। अरे शिनचैन के पास ऐसी पावर कब से आ गई? अरे शिनचैन अगर तू फिर से आएगा तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। अब मैं कोई नॉर्मल शिनचैन नहीं हूँ, मैं हूँ बेंटन वाला शिनचैन। नामुराद कह के एक बारी मुझे तू छोड़ो तो सही, मैं तेरी हाथी पसली तोड़ दूंगा। तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन हूँ जिसका नाम है एलियन एक्स। अगर ऐसी बात है तो अब मुझे तू छू के भी दिखा, मैं तेरे सालों के सारे दांत तोड़ दूंगा। ऐसी बात है, अब मैं तुझे नहीं तेरे गाड़ी के साथ साथ तुझे भी हवा में हेलीकॉप्टर बना दूंगा। अरे तू ऐसा नहीं कर सकता। ये देखा, मैंने करके दिखा दिया। वैसे गाइस आज की वीडियो के लिए इतना काफी होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है फटाफट से वीडियो को लाइक करके वो जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी दबा दो और साथ साथ घंटी को भी दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।